प्रॉब्लम 2.28 डेट इज फ्रॉम ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक नियरिशन फोर्थ एंड क्वेश्चन इज यूज इक्वेशन 29 टू कैलकुलेट द पोटेंशियल इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू। अब हमने एक सॉलिड स्फीयर बना लिया, ठीक है, और इनसाइड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो पी पॉइंट जो होगा वो आउटसाइड की बजाय क्या होगा, इनसाइड। तो हमने इनसाइड पॉइंट पी ले लिया, इस पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और इसका डिस्टेंस जहाँ पे ओरिजिन से सेंटर से जहाँ पे फाइंड आउट करना होता है वो पॉइंट हम जेड लेते हैं ना, वो डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस हमने ले लिया जेड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया आर, और यहाँ से पी तक का डिस्टेंस आर प्राइम, ये थीटा है, और यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जी एक्सिस। अब पोटेंशियल फाइंड आउट करना, हमें पता है कि पोटेंशियल इक्वल होता है के क्यू ओवर आर, ठीक है। अब आर कौन सा लेंगे, ये वाला आर, तो अब यहाँ पे आर लॉ ऑफ कोसाइन, ये वाला आर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जब ये वाली फिगर गिवन हो, हमें ये वाली फिगर बनाते हैं, सॉलिड चार्ज स्फीयर है, तो इसमें हम लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हैं, तो लॉ ऑफ कोसाइन के अकॉर्डिंग आर किसके इक्वल होगा, आर स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस टू आर जी कोज ऑफ थीटा, ठीक है। ये आप लोगों ने याद कर लेना कि लॉ ऑफ कोसाइन जो होता है वो इसके इक्वल होता है। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास सॉलिड चार्ज स्फीयर है, तो चार्ज कौन सा होगा, रो। तो हम चार्ज किस तरह से निकालते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू रो थीटा, फिर इंटीग्रेट करते हैं होल के लिए, तो क्यू, ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाते हैं, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल रो थीटा। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई, अब थीटा की इसके इक्वल होता है, ठीक है, आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो मैंने यहाँ पे इसमें सिर्फ वैल्यू डाल दी, के उसी तरह रो जो था वो कॉन्स्टेंट था, रो बाहर, क्यू की वैल्यू डाली है ना, रो डीटा होती है, रो कॉन्स्टेंट था, डीटा के ऊपर इंटीग्रल आ गया, आर प्राइम की वैल्यू डाल दी, देन उसके बाद डीटा की वैल्यू डाली सिंपल स्टेप में, फिर यहाँ पे ये जो डी फाई है इसकी इंटीग्रेशन लिखी है, मेरे पास डी फाई किसके इक्वल होगा, ज़ीरो टू टू पाई इंटीग्रेशन होती है, इक्वल हो जाएगा टू पाई के, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया कि टू पाई, ठीक है। बाकी मेरे पास अभी दो रहती हैं, क्योंकि जो टाओ होता है उसमें कितने इंटीग्रल्स होते हैं, तीन, एरिया में दो और लाइन में एक, तो यहाँ पे एक मैंने यूज़ कर लिया जिससे टू पाई आया है और दो रहते हैं, बाकी सेम चीज़। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ का, ये जो नीचे है अंडर रूट में, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो वो किसके इक्वल होगा, टू आर जी साइन थीटा के, तो ऊपर वाली में देखो मेरे पास आर को इग्नोर करके, क्योंकि आर स्क्वेयर के ऊपर अलग इंटीग्रेशन लगेगी ना, मैं साइन थीटा और मेरे पास है डी थीटा, ठीक है, मेरे पास क्या चीज़ नहीं है, साइन थीटा है, टू आर जी नहीं है, मुझे अगर ऊपर डेरिवेटिव मुझे बनाना है ना इस चीज़ का, तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी टू आर जी से, देखो डिवाइड किया वन बाई टू आर जी और मल्टीप्लाई भी किया टू आर जी साइन थीटा। अब इस चीज़ का डेरीवेटिव क्या था, टू आर जी साइन थीटा, वो मेरे पास आ गया, ये ऊपर टर्म गई तो माइनस वन बाई टू, आगे ज़ीरो टू आर और ये हमारे पास आ गई आर स्क्वेयर, ठीक है, जो आर स्क्वेयर के ऊपर लगा दी वो अलग कर दी। देन जब मेरे पास आगे डेरिवेटिव होता है तो कौन सा रूल लगता है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होता है और नीचे उसकी डिवाइड हो जाती है, तो माइनस वन बाई टू, ठीक है। आगे हमने क्या किया, ये मैंने वही इक्वेशन नेक्स्ट दोबारा लिख दी है, उसके बाद अभी से मैंने चेंज किया होता कि आर का डेरिवेटिव ले लिया था, तो उसमें आपने ये याद रखना है कि आर का भी डेरिवेटिव नहीं लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन में यही याद रखना है कि आर को भी सिंपल लेके चलना है, आर स्क्वेयर डी आर को, ठीक है। देन उसके बाद के रो टू पाई, अब इसमें ज़ीरो टू पाई अगर लिमिट्स डालूंगी तो वो मेरे पास आर प्लस जी आर माइनस जी के कैसे इक्वल आया है, अब जब मैं लिमिट डालूंगी तो देखो मेरे पास इसके ऊपर अंडर रूट भी है, वन बाई टू भी है, तो मैं जब यहाँ पे इसको देखो डालूंगी तो एक बनेगा आर प्लस जी का स्क्वेयर साथ में अंडर रूट और एक आर माइनस जी का स्क्वेयर और अंडर रूट साथ था, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आर प्लस जी और आर माइनस जी रह जाता है। देन उसके बाद अब ये देखो ये चीज़ें तो कैंसिल हो जाती हैं, तो वन बाई जी, ये याद रखना है, वैसे बहुत लेंथी हो जाता है ये क्वेश्चन अगर मैं इसको इस मेथड से करवाऊँ तो, ठीक है, कि बाउंड्री कंडीशंस लगा के, तो वो बहुत मेथड जो है लेंथी हो जाएगा, तो ये ट्रिक यहाँ पे याद रखनी है कि बस इसको कैंसिल कर दो, और ये वन बाई आर जो है, अब वन बाई जी इसके साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर डी आर के साथ, और एक दफ़ा वन बाई आर इसके साथ, ठीक है, आर जी था ना, फिर उसके बाद अब मुझे जाना है, अब मैं लिमिट्स जो हैं वो ज़ीरो टू आर नहीं लगाऊंगी, ये भी एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि मुझे आर से जी में जाना है, तो मैंने इस लिमिट को ब्रेक करके कैसे लिखूंगी, सबसे पहले ज़ीरो टू जी और फिर जी टू आर, ठीक है, तो जी टू आर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, फिर इस पर क्या लगाएंगे, तो ज़ीरो टू जी फिर जी टू आर के, अब ये चीज़ आर
टू प्लस वन थ्री और नीचे थ्री आ जाएगा, ये तो डेरिवेटिव के रूल सबको आते हैं जी। इसके ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ रह जाएगा आर, तो आर डी आर का क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू। अब इसकी लिमिट क्या होगी, आर टू जी टू आर। अब देखो ये इसके ऊपर जब मैंने लिमिट डाली तो जी क्यूब थ्री जी, और इसके ऊपर डालेंगे तो आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाई टू। देन उसके बाद ये रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस, जी ये कैसे आया, के जो है वो इक्वल होता है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो ये टू पाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो टू के की सिंपल वैल्यू डाली है मैंने। अगर हमें पी से क्यू में जाना हो तो उसके लिए हम ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो अगर इनसाइड पोटेंशियल है तो जी जो है वो आर के इक्वल है, तो जी की जगह आर लिख दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।